देवकी नंदन ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? जाने माने मशहूर कथावाचक है, मुझे इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? सबसे पहले तो मैं हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। अतुलित बल धामम हम सैलावदेहम धनुज कृषाणम ज्ञान इनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीसम रघुपति भी भक्तम बात जातम नमामि। उन हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, जिन हनुमान जी महाराज के आगे कोई ज्ञानियों में कोई ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। वो हनुमान जी महाराज जिन हनुमान जी महाराज ने भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सबको बताया। वो हनुमान जी महाराज जो 11वें रुद्र के अवतार हैं, स्वयं शिव ही हनुमान बन के राम भक्ति करने के लिए निकले हैं, और उन हनुमान जी महाराज का करेक्टर प्रस्तुत करते समय अगर कोई डायरेक्टर अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर ऐसे डायलॉग देता है कि तेल तेरे बाप का, वस्त्र तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म बनाने वाले, डायलॉग लिखने वाले लोगों की सोच न तो धर्म से जुड़ी हुई है, न वो हनुमान जी के भाव को जानते हैं, न वो हनुमान जी के उस ज्ञान को जानते हैं जो हनुमान जी के प्रति हम लोगों की निष्ठा है। राम कथा कहने वालों से सुनो, भागवत कथा कहने वालों से समझो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप मत लिखो। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो धर्म को जानते हैं और एक धर्म को नहीं मानते। जबरदस्ती के तीसरे प्रकार के लोग हैं जो धर्म को जानते नहीं है पर धर्मात्मा बनने का प्रयास करते, ये वो लोग हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं, थर्ड कैटेगरी के लोग हैं कि ये धर्मात्मा है नहीं, धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। अगर आप धर्मात्मा दिखना चाहते हो तो पहले धर्म को जानने की कोशिश कीजिए, पहले प्रयास कीजिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हनुमान जी को ऐसे डायलॉग बोलते हुए देखा? वो हनुमान जी हैं, वो मुंबई की गली के टपोरी नहीं है। हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, हनुमान जी डायलॉग बोल रहे हैं, जो ज्ञानी नामग्रगण्यम। छोटी सी कथा करने वाला व्यक्ति भी, प्रवचन करने वाला, सत्यनारायण कथा करने वाला भी ऐसे डायलॉग नहीं बोलेगा जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं। उस निकम्मे आदमी को मैंने सुना कि वो आदमी कह रहा है कि हमने भगवान, हनुमान भगवान नहीं है। हाउ डेयर टू डू दिस, डेयर टू से दिस, आप कह कैसे सकते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है? जानते कितना हनुमान जी के विषय में? हनुमान जी भगवान नहीं है, 11वें रुद्र के अवतार है भगवान। राम भक्ति कैसे करनी चाहिए? और प्लस मैं आप सबके, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आज अमेरिका में बैठकर भी इतना दुखी हूं, मैंने फिल्म देखता ही नहीं हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, महाराज जी ये आप क्या करवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपके भारत में? हम भारत में रह के राम कृष्ण और हनुमान को पूछते हैं और आपके हनुमान जी के ये लोग जो निकम्मे लोग हैं ऐसे डायलॉग बुलवा रहे हैं? कौन से लोग, जितने भी लोग, आप भी विद्वान है, आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी भी राम जी को मूछ में देखा है? कल्पना की है आपने? कभी नहीं की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने भी उनका एक फोटो निकाला था, लोगों ने कहा भगवान राम तो इससे भी सुंदर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मुकाबला कर सकती। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारी कल्पना में राम ऐसे हैं तो आपकी कल्पना कैसी हो सकती है? अगर राम को आपने मूंछ में दिखा दिया, और मुझे तो एक किसी ने चित्र भी दिखाया कि जहां सीता मैया नाव में बैठ के दोनों यूं यूं घूम रहे हैं, ये व्हाट इज दिस यार? भगवान है, कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। नहीं बनाना जानते, आप धर्म को नहीं जानते, आप में वो कैपेसिटी नहीं है, तो आप कुछ मत बनाइए। बॉलीवुड से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप अच्छा बुरा कुछ मत बनाइए भाई, हम समझ गए आप में कोई दम नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप जो है मेरे भगवान के ऊपर कोई चित्रण कर सके। आप में वो दम नहीं, वो क्षमता नहीं, वो भावना नहीं, वो निष्ठा नहीं, वो श्रद्धा नहीं। और अगर आप अपने उस क्रिएशन के नाम पे, आप उस क्रिएशन के नाम पे 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाएंगे, आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होती है जो किसी को इफेक्ट ना करे, ठीक है ना? जो किसी को इफेक्ट करे, जो 100 करोड़ों की भावना को इफेक्ट करे, वो फ्रीडम स्पीच नहीं हो सकती आपकी। ऐसे डायरेक्टर नहीं हो सकते, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते फिल्म को। आपको ये फैन, ये जो फिल्म है ये बैन करनी चाहिए, और जिन लोगों ने इसमें एक्टिंग की है, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, जिन लोगों ने इसमें जो है डायरेक्शन दिया है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे, अगर मेरे हाथ में पावर होती, मैं आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूं, इस फिल्म को बनाने वाले, अभिनय करने वाले सब पे केस चलना चाहिए। इन्होंने 100 करोड़ लोगों की निष्ठा को ठेस पहुंचाइए, राम के स्वरूप को ठेस पहुंचाइए, हनुमान जी की वाणी को ठेस पहुंचाइए, और जो हनुमान जी को पूछते हैं उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचाइए। इन सब पे केस चलना चाहिए, फिल्म बैन होनी चाहिए, इट्स माई ओपिनियन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन ठाकुर जी। मैं सीधे मानवी के पास चलूंगा। मानवी बताइए आपकी क्या राय है?
देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 350 करोड़ से ऊपर का बिजनेस ये कर चुकी है लगभग, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो। पिक्चर मैं भी देखने गई हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जो पिक्चर देखने गए हैं, पिक्चर देखने के वक्त जब थिएटर में एंटर करते हैं तो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पिक्चर के बीच में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जब पिक्चर खत्म होती है तब जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं जिनको आपत्ति है, पहली बात तो ये। दूसरी, अगर इनको आपत्ति हो रही है तो पहले सेंसर बोर्ड क्या है, बहुत आसानी से भी मुझसे पहले जो भी थे उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि मूवी के जो मेकर्स हैं उन पर सारा का सारा ब्लेम डाल दिया। सेंसर बोर्ड ने क्या किया, मूवी के मेकर्स ने अपने इंटरव्यू में स्वयं बोला है कि मैंने रामायण नहीं बनाई है, इसे पिक्चर की तरह देखो, ये आदि पुरुष है, ये रामायण नहीं है। और दूसरी बात ये, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, चेक करा दी एक बार, आदि पुरुष है ये रामायण नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये एक एक इंस्पायर्ड है, ये तुलसीदास से इंस्पायर्ड है, तो ये आप रामायण की तरह ना देखें, मूवी को मूवी की तरह देखें, एक ये बात। अब उसके बाद ये है कि जो ये लोग आपत्ति कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं इसमें अंदर, अब डायलॉग्स ठीक नहीं है, वस्त्र ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले तो ये टैक्स फ्री भी कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी के जो सांसद हैं हमारे रवि किशन जी, वो जाकर के खुद भी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर के बाद इंटरव्यू देखते हैं तमाम चैनलों पर जाकर के कि मूवी बहुत अच्छी है। मैं पहली बार मूवी का प्रचार कर रहा हूं कि हर हिंदू को जाकर के पिक्चर देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को जाकर के पिक्चर देखनी चाहिए। फिर दूसरी बात, खुद ही बोलते हैं कि बहुत अच्छे वस्त्र थे, हनुमान जी जिस वस्त्र में थे, जिस अटायर में थे, जिस जो उनको लुक दिया बहुत अच्छा था, रावण का लुक बहुत पसंद आया उनको, उनको राम जी का लुक बहुत पसंद आया, तो ये सारी चीजें उन्होंने मूवी देखने के बाद बोली है। अब बताइए, और उन्होंने कहा कि पहली बार मैं एक पिक्चर का प्रचार कर रहा हूं, और अगर इनकी भावना इतनी ठेस होती है, इतना इनको लगता है कि, और ये पहली बार नहीं हुआ, तो जो रामलीला में जो मॉडर्न रामलीला के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है तब इनकी भावनाएं आहट नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर मेकर्स को ब्लेम करने से ज्यादा सेंसर बोर्ड को ब्लेम करिए, सेंसर के बोर्ड में क्या आंखों में पट्टी थी, सेंसर बोर्ड क्या देख नहीं रहा था, जब मूवी आई है पूरी मूवी देखी एक तो। और सबसे बड़ी बात दीपक जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम पे कि खुद ही अगर रवि किशन एक सांसद आकर के बोले कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, मैं सीधा यही सवाल शिवानी दुर्गा जी के पास ले जाता हूँ। शिवानी जी बताइए क्या कहेंगे, मानवी ने बता दिया भाई क्यों आपत्ति है, आपत्ति होनी नहीं चाहिए, और अगर आपत्ति उठानी चाहिए तो सेंसर बोर्ड पर उठानी चाहिए, मेकर्स पे नहीं। देखिए मानवी जी जो है वो अभिनेत्री है तो उनका ये कहना स्वाभाविक है, बीच में मत बोलिएगा मानवी जी, मुझे पूरा बोलने दीजिएगा पहले, तो उनका ये बोलना स्वाभाविक है, सही है कि सेंसर बोर्ड पर प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि, हो सकता है सेंसर भी साथ में मिला हुआ हो सकता है वो सब लोग भी मिले हुए हों, उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए हो और अध्यात्म न चाहिए हो, उन्होंने स्वयं अध्यात्म न स्टडी किया हो, इसीलिए उन्होंने इसको अग्री कर दिया हो, इसको टिक मार्क दे दिया हो कि हाँ आप चलाइए ये मूवी। संवाद में हंसी लाने की कोशिश में मनोज मंतशर जी का ये पढ़ रही थी तो उसमें बोल रहे हमने हंसी लाने की कोशिश की है, मानवी जी ने कहा कि जो पिक्चराइजेशन किया गया है उसको आप सिर्फ एक मूवी की तरह देखो, ऐसा उन्होंने बोला है जो मेकर्स हैं कि सिर्फ मूवी की तरह बोलो, बिकॉज वो तुलसीकृत रामायण से, रामचरितमानस से इंस्पायर्ड है। ओके, इंस्पायर्ड है, मूवी बनाई तो मनुष्य के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में दिखाना चाहिए था, राघव, जानकी, हनुमान, लंकेश, इनके नाम नहीं प्रयोग में लाने चाहिए थे, फिर उनको साधारण आदमी की तरह इंस्पिरेशन लेकर के मूवी बनानी चाहिए थी, उनका रूप नहीं देना चाहिए था उनको। वस्त्रों में इतने सारे, हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, कई दिनों से हो रहा है, मुझे ये कहा गया था कि ये बैन करने के लिए, इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स ने भी जो है, जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, उन्होंने भी एक लेटर दिया है कि इसे बैन किया जाना चाहिए। और बैन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आज ये बच्चे देखेंगे, इसे बैन नहीं किया जाता तो अगर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अगर इसे कोई बच्चा देखेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल अनुचित है, मुझे लगता है मानसिक विक्षिप्तता को प्रदर्शित करती है ये आदि पुरुष मूवी, और ये एक एजेंडा के तहत बनाई गई मूवी है। मनोज मुंतशिर जी की सफाई किसी काम की नहीं है, उन्होंने जो था वो कहते हैं कि ना कि पाप का घड़ा भर चुका है तो फटेगा, इसीलिए विनाश काले ना भई सहाय सारद में जाना, मंद मंद कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जा, वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना, इसीलिए मनोज मुंतशिर जी माफी मांगने के बाद भी पलट गए, माफी नहीं मांग रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उनका ये कहना है, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करके उन्होंने कितनी बड़ी अपने ऊपर दोषारोपण। मैं यही करता हूँ शिवानी जी आपको। जीन।